तुझे कितनी बार बोला है कि ढंग से काम किया कर, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती ना। लेकिन मम्मी जी मैं सारा काम ढंग से ही तो करती हूँ। अब ना ये झूठ बोलना बंद कर और खाना लगा के ला मेरे लिए बाहर, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। ठीक है मम्मी जी, आप बैठो मैं लाती हूँ। मम्मी जी ये लीजिए। इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? अब खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरा, जा मेरे लिए पानी लेकर आ और हाँ अचार लेती आना। ठीक है मम्मी जी। ये लीजिए मम्मी जी अचार। मम्मी जी ये क्या किया आपने? ज्यादा ना बोल मत मेरे सामने, मैं बस चेक कर रही थी कि सब्जी गर्म है कि नहीं। और तुझे कितनी बार बोला है कि अपनी माँ को फोन करके थोड़े पैसे मंगवा ले, तुझे पता है ना मेरे बेटे को बिजनेस स्टार्ट करने, कहाँ से आएंगे पैसे? लेकिन मम्मी जी मेरी मम्मी पापा के पास जितने भी पैसे थे उन्होंने सारे पैसे मेरी शादी पे खर्च कर दिए, अब उनके पास और पैसे नहीं है। देख मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाए, घर बेचे या खुद को बेचे, पैसे चाहिए मतलब पैसे चाहिए। अब जाए यहां से। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते समदन जी। नमस्ते नमस्ते। आज आप लोग अचानक यहाँ कैसे? वो आंटी जी यहीं पास में मार्केट में ना मम्मी और मैं आज शॉपिंग करने आए थे तो सोचा छोटी से मिलते हुए जाएं। हाँ समधन जी, वो बहुत दिनों से फ़ोन पे भी बात नहीं हुई थी बिटिया से और वो घर भी नहीं आई मिलने, तो सोचा हम ही जाकर मिल लेते हैं। बहू तुम्हारी दीदी और मम्मी आई हैं, आके मिल लो इनसे। अरे मम्मी जी नमस्ते, दीदी नमस्ते, ये लो पानी पियो। नमस्ते बेटा, कैसी है तू? मम्मी मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताओ घर में सब लोग ठीक है? पापा कैसे हैं? हाँ घर पर सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? बस घर पे भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और क्या बात चल रही है बेटी से? सोच रही होंगी ना कितने बड़े घर में बेटी की शादी हुई है, आप लोगों की बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है ना जो हमारे जैसा खानदान मिला। खैर कुछ खाएंगे आप? अब नहीं नहीं आंटी जी, हम घर से खा कर निकले थे। हाँ समधन जी आप कष्ट मत करिए, वो तो ना तो बिटिया से फ़ोन पे ही बात हो पा रही थी और ना ही वो घर आ रही थी, तो बस मिलने का बहुत मन हो रहा था। अब उससे मिल लिए, देख लिए वो ठीक ठाक है, तो बस अब तो टेंशन फ्री हो गए और अब बस निकलने वाले हैं। वैसे दामाद जी कहाँ हैं? मेरा बेटा ऑफिस गया है, वैसे कुछ ले लेते हैं आप लोग? नहीं नहीं समधन जी कुछ नहीं। वैसे ना हमारे यहाँ की मिठाई ना बड़ी स्पेशल मिठाई होती है, आप लोगों की तरह ना लोकल मिठाई हम लोग नहीं रखते जो आपने मेरे बेटे की शादी में रखी थी। सोसाइटी वाले आज भी हमें ताने देते हैं कि आपके बेटे की शादी में ना लड़की वालों ने बहुत पैसे बचा लिए वो घटिया मिठाई खिला के। अगर हमें पता होता ना इतने गरीब खानदान से है हमारी बहू तो हम लोग आपके यहाँ कभी रिश्ता ना करते। बस मम्मी जी अब आपने बहुत बोल लिया, और वैसे भी आप पहले से कितना बोल चुकी हो, हमेशा से बोलती आई हो ना, जब भी मेरे घर वाले आते हैं आप उनकी इंसल्ट करती हैं, लेकिन अब अगर आप मेरे घर वालों के बारे में एक शब्द भी बोलेंगी ना तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। और क्या कह रही थी आप मेरे घर वालों को कि मेरी फैमिली गरीब है? मेरी फैमिली गरीब नहीं है, आप गरीब हो, आपकी सोच गरीब है। क्या बोले जा रही है, तेरा दिमाग तो सही है, तेरी इतनी हिम्मत? बस अगर ये हाथ मैं आप पे पहले ही उठा देती ना तो आज आप मुझे इतना टॉर्चर नहीं करती और ना ही मुझे आपका टॉर्चर सहना पड़ता, बहुत हो गया आपका। और आपको याद तो होगा ना आपने मेरे साथ क्या क्या किया, आपको ये याद भी नहीं होगा। क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, पानी पी रही थी, गर्मी है ना बहुत ज्यादा। अच्छा तो महारानी को ठंडा पानी पीना है, इधर ला। मम्मी जी ये क्या किया आपने, ठंडा पानी मेरे मुंह पे डाल दिया। अगर फ्रिज का ठंडा पानी पीना है ना तो अपनी माँ को फोन कर कि तेरे लिए स्पेशल फ्रिज भिजवा दे, इस फ्रिज में से ना तू बिल्कुल भी पानी नहीं पिएगी। दहेज में तो कुछ लाया नहीं गया, फोन कर अभी की अभी अपनी माँ को और मंगवा ले अपने लिए नया फ्रिज। मम्मी दीदी आपको पता है इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, ये रोज मुझे मारती पीटती थी सिर्फ किस लिए, पैसों के चक्कर में रोज मुझे टॉर्चर करती थी दहेज की वजह से। इतना सारा दहेज देने के बाद भी, इतना सारा पैसा देने के बाद भी इनकी पैसों की प्यास अब तक नहीं गई है और रोज मुझे मारती पीटती रहती थी। और आपको पता है इसमें ना हमारी गलती है, अगर रिश्ते के वक्त हम इन्हें दहेज लेने से ही मना कर देते ना तो आज ये नौबत नहीं आती, आज मुझे इतना टॉर्चर सहना नहीं पड़ता। और आपको पता है ये लोग कितने लालची हैं, ये लोग इतने लालची हैं ना कि ये पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं और कर ही रहे हैं मेरे साथ। छोटी तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। हाँ बेटा तू अकेली ये सब सहती रही,
बेटा हमें तो बताती तू एक बार। हाँ मम्मी, कैसे बताती मैं आपको, आप लोगों ने इतने प्यार से अपनी सारी जमा कुंजी लगा के मेरी शादी की, इतना पैसा लगाया, सब कुछ बेच दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को बुरा लगे, इसलिए मैं रोज़ इनका टॉर्चर सहती रहती थी कि ये आज समझेंगी कल समझेंगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझी, ये रोज़ मेरे साथ यही करती थी। लेकिन बस अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी अपने माँ बाप के खिलाफ, आपने बहुत बोल लिया। बेटा छोटी सी तो बात है, मैं ये थप्पड़ भूल जाती हूँ, तो जो कुछ पहले हुआ ना वो सब भूल जा, ये लोग जितना भी दहेज देंगे ना मैं खुशी खुशी ले लूँगी। कितनी ज़्यादा बेशर्म और बदतमीज़ है ना आप। हाँ आपको थप्पड़ खा के शर्म नहीं आई, लगता है एक थप्पड़ से आपका पेट नहीं भरा, एक और थप्पड़ चाहिए इन्हें। मम्मी गलती इनकी नहीं है, गलती तो हमारी ही है, हमें छोटी से सब कुछ पहले पूछ लेना चाहिए था, अगर हम इससे पहले पूछ लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। चल छोटे पुलिस स्टेशन चलते हैं और इनके नाम की कंप्लेंट करवा दें, चल। हाँ बेटा। नहीं नहीं बेटा, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो आप लोग। माफ़ी? और आपको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी आपको, आपको आपके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको शर्म नहीं आई मेरी बच्ची के साथ ये सब करते हुए? आपके घर में भी तो बेटी है। बेटा चलो, इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे हम, चलो पुलिस स्टेशन चल बेटा। तो कैसे हैं आप लोग, अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी वीडियो स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूँगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुँच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।